Today we will start brain teaser of chapter 7. First question, find a product using suitable identity. हमें product निकालना है identity का use करके. Option है हमारे पास a plus 3, a minus 3, a square plus 9. तीन binomial है, इनका product है आपस में. पहले हमने ये दो binomial का product लिया. तो according to our third identity, a plus b, a minus b is equal to a square minus b square. तो हम देख सकते हैं दोनों टर्म a b दोनों binomial में सेम है, साइन जो है वो डिफरेंस है, एक में प्लस है एक में माइनस है. तो हमारी थर्ड आइडेंटिटी इसमें सुटेबल है. तो हमने किया फर्स्ट टर्म का स्क्वायर a square minus सेकेंड टर्म b, b है हमारे पास 3 का स्क्वायर, और a square plus 9 हमने एज इट इज लिख दिया. ए स्क्वायर आया हमारे पास, ए का स्क्वायर किया, ए स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर किया. तो फर्स्ट और सेकंड बाइनोमियल का प्रोडक्ट करके हमारे पास आया ए स्क्वायर माइनस 9, और थर्ड बाइनोमियल हमने ए स्क्वायर प्लस 9 एज इट इज उतार दिया. अब हम दोबारा देख सकते हैं ए फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों बाइनोमियल में सेम है, साइन का डिफरेंस है. तो दोबारा थर्ड आइडेंटिटी ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही पुट होगी. तो अब हमारे पास a है a स्क्वायर, हमने उसका स्क्वायर किया, माइनस b है हमारे पास 9, 9 का भी स्क्वायर किया. तो हमें मिला a की पावर 4, a स्क्वायर का स्क्वायर a की पावर 4 और 9 का स्क्वायर 81. इस तरह से तीनों बाइनोमियल का प्रोडक्ट हमारे पास आया a की पावर 4 माइनस 81. स्टार्ट करते हैं इसका सेकेंड पार्ट. b पार्ट है हमारे पास, if x square plus 1 x square is equal to 6, then find the value of x की पावर 4 plus 1 upon x की पावर 4. स्क्वायर में हमें वैल्यू गिवन है x square और plus 1 upon x square की वैल्यू गिवन है, और x की पावर 4 plus 1 upon x की पावर 4 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. तो जो चीज़ हमें गिवन है हमने क्या किया, उसका पहले स्क्वायर किया. ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6, हमने दोनों साइड्स का एलएचएस और आरएचएस दोनों का स्क्वायर किया. ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड एलएचएस का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर 6 का स्क्वायर. अब a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. हमने पुट करी a है हमारे पास एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, b है हमारे पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया प्लस 2ab, 2a एक्स स्क्वायर b 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36. आगे सॉल्व करेंगे हम, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आया हमारे पास एक्स की पावर 4 प्लस बी का स्क्वायर किया, तो हमारे पास आया 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 2. यहाँ एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसको प्लस 2 ही बचेगा, इक्वल टू 36. अब हमें निकालनी है एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, दिस इज इक्वल टू 36, प्लस में 2 है, एल एच एस से जब आर एच एस में आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 2, 36 माइनस 2 इज इक्वल टू 34. तो हमारे पास x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 की वैल्यू आई 34. सी पार्ट है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x y स्क्वायर k इज इक्वल टू 4xy प्लस 3y का होल स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 3y का होल स्क्वायर. हमने पहले पुट किया 4xy प्लस 3y को a ले लिया, और 4xy माइनस 3y को b लिया. तो हम देख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू
a square minus b square. अब हमें अपनी थर्ड आइडेंटिटी मालूम है, a square minus b square is equal to a plus b, a minus b. और a है हमारे पास जो वैल्यू है, a square minus b square is equal to a plus b, next bracket में a minus b according to third identity. अब हम क्या करेंगे, इसमें a और b की वैल्यू पुट कर देंगे. x y k is equal to a, a है हमारे पास 4 x y plus 3 y और b है plus 4 x y minus 3 y. तो ये a plus b बन गया a plus b. अब second second bracket लेते हैं, a की value हमने 4 x y plus 3 y put करी. अब a माइनस, जब बाहर माइनस होगा तो अंदर के साइन चेंज, b की वैल्यू के अब हम साइन चेंज कर देंगे, माइनस का 4xy हो जाएगा और 3y जो माइनस का है वो हो जाएगा प्लस का. ऐसा हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे पास a माइनस भी है, जब बाहर माइनस है तो अंदर के जो साइंस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं. अब हमारे पास आया xy स्क्वायर k इज इक्वल टू 4xy प्लस 4xy 8xy, y और माइनस 3y आपस में कैंसिल. फर्स्ट ब्रैकेट में बचा हमारे पास 8xy, सेकंड ब्रैकेट 4xy माइनस 4xy आपस में कैंसिल हो गए, 3y प्लस 3y 6y, सेकंड ब्रैकेट में बचा हमारे पास 6y. आगे से सॉल्व करेंगे, xy स्क्वायर k इज इक्वल टू, इन दोनों का प्रोडक्ट है, 8 6 जा 48, x x लिखा y मल्टीप्लाई y y स्क्वायर. हमें k की वैल्यू निकालनी है तो k इज इक्वल टू हो जाएगा 48 x y स्क्वायर अपॉन k x y स्क्वायर जो है LHS से जब RHS में आएगा तो वो डिवीजन में आएगा. यहाँ ये k के साथ मल्टीप्लाई में है तो LHS से RHS में जब मल्टीप्लाई आता है तो वो डिवीजन में चेंज हो जाता है. तो x से x कैंसिल हो जाएगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 48, मींस x इज इक्वल टू 48. इस तरह से नेक्स्ट पार्ट बी पार्ट. बी पार्ट है, इफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड ab इज इक्वल टू 4, फिर फाइंड करनी है हमें वैल्यू माइनस टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर. तो हमें जिस चीज की वैल्यू फाइंड करनी है, बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए माइनस बी होल स्क्वायर. तो हमें पहले ए प्लस बी की ए प्लस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, ए फाइंड करनी है, फिर हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे. तो पहले हम स्टार्ट करते हैं, जो चीज हमें गिवन है पहले हमने वो लिखा. हमें गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और ए बी, ए और बी का प्रोडक्ट जो है वो 4 है. तो हमारी जो फर्स्ट आइडेंटिटी है वो इक्वल टू है ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू हमें डिफाइन करनी है. तो हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू हमें गिवन है वो हमने पुट करी, उसकी जगह हमने 9 लिखा, प्लस 2 ए बी की जो वैल्यू है वो हमने ऐसे पुट करी, 2 ए बी है यानी कि इनका आपस में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का रिलेशन है, तो 2 ए बी की वैल्यू हमने लिखी 4. तो 9 प्लस 8 दिस इज इक्वल टू 17. इस तरह से हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसकी वैल्यू आई हमारे पास 17. अब हमें निकालनी है ए माइनस बी का होल स्क्वायर. ये हमारी सेकेंड आइडेंटिटी है जो कि इक्वल टू होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. इसमें भी हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है 9 माइनस 2, ab की वैल्यू है 4, वो हमने ऐसे ही पुट कर दी. तो हमारे पास a माइनस b का होल स्क्वायर आया 9 माइनस 4 टू जा 8, दिस इज इक्वल टू 1. अब जिस चीज की हमें वैल्यू निकाल, उसमें ऐसे के ऐसी जो हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस होल स्क्वायर में पुट कर देते हैं,
3 a plus b a whole square minus 2 a minus b का whole square. तो 3 a plus b का whole square is equal to 17 multiply 17 minus 2 a minus b का whole square 1. This is equal to 17 3 जा 51 2 1 जा 2. तो 51 minus 2 is equal to 49. स्टार्ट करेंगे लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का. ए पढ़े इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 12 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 64. Then find the value of AB plus BC. इसकी value हमें निकालनी है. A plus B plus C is equal to 12 और A square plus B square plus C square is equal to 64 हमें given है. तो जो चीज हमें first given है हमने ये लिया. A plus B plus C is equal to 12. हमने बोथ साइड स्क्वायर किया ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड. दोनों तरफ का स्क्वायर करने मिला a प्लस होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर. अब ये हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस 2 बी सी प्लस 2 सी ए एंड इज इक्वल टू आर एच एस में हमने 12 का स्क्वायर किया हमें मिला 12 का स्क्वायर 144. अब आगे हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसको हमने ऐसे ही रहने दिया. अब ये लास्ट की जो तीन टर्म्स हैं इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि टू हमने टू तीनों में से कॉमन ले लिया. अब हमारे पास बचा ए बी प्लस बी सी प्लस सी दिस इज इक्वल 144. अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी सी हमें गिवन है 64. तो हम इसमें पुट कर सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में जिसकी वैल्यू 64 गिवन है हमने यहाँ पे 64 पुट किया. बाकी हमने ऐसे ही लिखा प्लस 2 within bracket AB plus BC plus C is equal to 144. 64 यहाँ पे plus का है तो इसको हम LHS से RHS में ले गए और जो बचा 2 ये यहाँ ऐसे ही रह जाएगा 2 within bracket AB plus BC plus CA is equal to 144 और 64 को हम RHS में लेके आ गए तो ये हो गया माइनस 64. अब आया हमारे पास 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी टू 144 में से 64 माइनस किया हमारे पास आया और हमें जिसकी वैल्यू निकालनी थी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए वो निकालने के लिए यहाँ पे 2 प्रोडक्ट में तो हम इस 2 को आर एच एस में ले गए और यहाँ पे बचा हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिस इज इक्वल टू और ये आ जाएगा डिवाइड और बनेगा 40. 80 डिवाइडेड बाय 2 40 मींस हमें मिली ए प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 40.